एरिनिकल श्री भगवती टेंपल का फेस्टिवल का व्लॉग 2। मैं निकी यूरिमोनियाज मेस्टर्स में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश हैं और खैरियत से हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था पिछले व्लॉग में कि ये जो फेस्टिवल है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, तो उस फेस्टिवल के कुछ और नज़ारे आपके सामने ले आ रही हूँ। ये टेम्पल है एरिनिकल श्री भगवती क्षेत्रम कन्नूर वाला, और इसी टेम्पल के फेस्टिवल का पार्ट 1 आपने अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देखिए, चैनल पे है। जो एरिया रात के 7 या 8 बजे के बाद साइलेंट हो जाता था, इस फेस्टिवल की वजह से काफ़ी लाइवली हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में कितने सारे ऑडियंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग के वो जो सारे रिचुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म के बाद जो है इवनिंग में यहाँ पे ऑडियंसेस के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ऐसे डांस परफॉर्मेंसेस, ऑर्केस्ट्रा वगैरह वगैरह जो भी है ऑर्गेनाइज किए गए थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो रात के 12 बजे तक ये जो प्रोग्राम्स है वो जारी रहते थे, काफ़ी लाइवली था, काफ़ी हैपनिंग था एंड सब ने काफ़ी एंजॉय किया है इस माहौल को। ड्रामा, फोक डांस, क्लासिकल डांस, म्यूजिकल नाइट और काफी सारे वैरायटी प्रोग्राम्स जो है वो फेस्टिवल के हर एक नाइट में परफॉर्म किए जाते थे, और इसी तरह सभी पूरे इंटरेस्ट के साथ ऑडियंसेस आती थी इन परफॉर्मेंसेस को व्यू करने के लिए, और इसीलिए मैंने कहा कि माहौल जो है काफ़ी लाइवली और हैपनिंग होता था उस समय। और कन्नूर और केरला के जो भी ग्रोइंग टैलेंट्स है या फिर ऑलरेडी डेवलप्ड टैलेंट्स है, तो उनको भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टेजेस पे परफॉर्म करना, उनके बारे में लोग जानते हैं एंड उनकी जो आवाज़ है सुनते हैं, उनके जो डांस है वो देखते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं। तो इट्स एन ओवरऑल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एंड एंजॉयमेंट फॉर द ऑडियंसेस। एंड ये मेरा जो है ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसा, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि सिर्फ TM होता था किसी भी टेम्पल में कन्नूर के और उसके बाद बस ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक वैरायटी ये है कि TM मॉर्निंग में TM आर्ट फॉर्म देखने के बाद उसके बाद ये रात में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं एंड इवन TM जो है कुछ कुछ जो है वो रात के 12 बजे के बाद भी परफॉर्म करते हैं टेंपल में। There was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, damn what a hell of a view, I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. ये TM जो आप देख रहे हो वो लास्ट दिन का TM था, हम मॉर्निंग में ही रेडी होके निकल पड़े थे इस TM को देखने के लिए, और आप देख सकते हो इस समय भी कितनी भीड़ है। तो जैसे तैसे मैंने ये भी वीडियो शूट किया है और उसके बाद मैंने एंजॉय भी किया इस परफॉर्मेंसेस को, और स्पिरिचुअली काफ़ी सूदिंग होते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस। ये जो भी भीड़ आप देख रहे हो वो सिर्फ लोकल भीड़ नहीं है, लोग कई कॉर्नर से, कितने दूर से आए हुए हैं सिर्फ खास इस फेस्टिवल को देखने के लिए। हम भी तो आए थे बैंगलोर से इस फेस्टिवल को देखने के लिए।
तेयम जो है क्या होता है, कैसा रिचुअल है, वो सारी बातें जो है मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको पता नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। एंड तो मैं निकी साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूरिमोनियाज मेस्टर्स। टेक केयर, बाय बाय।